जी हाँ नमस्कार दोस्तों, नए साल के दिन बेहद ही बुरी खबर के दौरान बस और कार की भिड़ंत के चलते 9 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 30 से भी ज़्यादा का इलाज चल रहा है। दरअसल यह पूरी घटना गुजरात के नवसारी जिले की है, जहां पर फॉर्चून कार और बस के बीच में यह भयंकर भिड़ंत हुई है। इस घटना के दौरान बताया जा रहा है कि ड्राइवर को हार्ट अटैक भी आ गया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लग्जरी बस अहमदाबाद से वलसाड़ जा रही थी। घटना जिले के वनसावा गांव की है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना के दौरान शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायल के परिवारों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वहीं इस घटना के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गुजरात के नवसारी में हुई सड़क घटना पर दुख जताया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार वलसाड़ से भरोच एक फॉर्चूनर कार जा रही थी, अचानक ड्राइवर को झपकी आ गई थी। इसके बाद कार ड्राइवर से उछलकर दूसरी तरफ ट्रैक पर चली गई थी, जिसके दौरान बस से भिड़ंत हो गई थी। इस घटना के दौरान मौके पर ही 7 जनों को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि 2 का इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग वलसाड़ के कोलक गांव के निवासी हैं, जो अहमदाबाद से एक प्रोग्राम से लौट रहे थे, और फॉर्चूनर कार में भी 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि दूसरे को सूरत में रेफर कर दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।